भारतीय पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में विमानों का उल्लेख मिलता है जो अद्भुत उड़ने वाले यंत्र थे। ये विमान न केवल भूमि पर बल्कि आकाश में भी विचरण करते थे। महाभारत, रामायण और अन्य वेदों में इन विमानों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिनमें से पुष्पक विमान सबसे प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में वर्णित प्राचीन विमानों की तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से जांच करना आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। आइए हम प्राचीन भारत के इन अद्भुत विमानों के रहस्यों को जानने की कोशिश करें और उस युग की अद्वितीय तकनीकी उन्नति का अवलोकन करें। उड़ने वाले रथों या आकाशीय विमानों के रूप में चित्रित विमानों ने न केवल प्राचीन भारतीय तकनीकी ज्ञान को उजागर किया है, बल्कि आधुनिक युग में भी उनकी प्रासंगिकता और स्वदेशीकरण की संभावनाओं पर विचार करने का अवसर प्रदान किया है। चीन, जर्मनी और कई अन्य देशों ने भारत के प्राचीन इतिहास और प्राचीन पांडुलिपियों में अच्छी तरह से संरक्षित विशाल ज्ञान में गहरी रुचि दिखाई है। लाखों अनछुए दस्तावेज जो विभिन्न भारतीय धर्मों और संप्रदायों के हजारों अलग अलग स्थानों पर रखे हुए हैं, इनमें से कुछ दस्तावेज महत्वपूर्ण जानकारी का खजाना हो सकते हैं जो भारत को एक बार फिर से उसके प्राचीन स्वर्णिम काल में ले जा सकते हैं। संस्कृत शब्द विमान, जिसका अर्थ है मापा गया और अलग रखा गया भाग, सबसे पहले वेदों में दिखाई दिया, जिसमें कई अर्थ थे, जैसे मंदिर या महल से लेकर पौराणिक उड़ने वाली मशीन तक। इन उड़ने वाली मशीनों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आम था, यहां तक कि युद्ध में उनके उपयोग का वर्णन भी किया गया था और वे पृथ्वी के वायुमंडल में उड़ने में सक्षम थे। विमानों के बारे में यह भी कहा गया था कि वे अंतरिक्ष और पानी के भीतर यात्रा कर सकते हैं। सूर्य, इंद्र और कई अन्य वैदिक देवताओं को जानवरों, आमतौर पर घोड़ों द्वारा खींचे गए उड़ने वाले पहियेदार रथों से सवारी करते दिखाया गया है। लेकिन अन्य जैसे अग्निहोत्र विमान दो इंजनों के साथ और गज विमान यानी हाथी द्वारा संचालित विमानों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यांत्रिक पक्षियों यानी मशीनी पक्षियों का भी उल्लेख है। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास के बाद के ग्रंथों में बिना जानवरों के स्वयं चलने वाले हवाई वाहनों का उल्लेख है। रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मूल रूप से हिंदू देवता ब्रह्मा के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा ने इसे धन के देवता कुबेर को उपहार में दे दिया, लेकिन इसे उनके सौतेले भाई राक्षसों के राजा रावण ने लंका के साथ चुरा लिया। कहा जाता है कि यह सूर्य के समान दिखता था और इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। भगवान राम द्वारा इसके उपयोग का भी उल्लेख मिलता है जब वे लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। यह आकाशीय स्वयं चालित वाहन बहुत बड़ा था। इसमें दो मंजिलें और कई खिड़कियों वाले कक्ष थे और यह झंडों और बैनरों से सुसज्जित था। महाभारत के समय तक ये उड़ने वाले रथ आकार में बड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े पहियों को कभी नहीं खोया। महाभारत में यवनों की प्रतिभा का उल्लेख है, जिन्होंने असुर माया के स्वामित्व वाले चार ठोस पहियों वाले एक सीमित आयाम के विमान का निर्माण किया था। जैन साहित्य में विभिन्न तीर्थंकरों द्वारा विभिन्न प्रकार की उड़ने वाली मशीनों के उपयोग का उल्लेख है। चौथे तीर्थंकर द्वारा जयंत विमान में यात्रा करने से लेकर बहुत प्रसिद्ध 24वें तीर्थंकर महावीर के एक महान विमान पुष्प उत्तर से प्रकट होने तक की कहानियां मिलती हैं। हाल के अध्ययन जी आर जोसियर, जो मैसूर स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अनुसंधान एकेडमी के पूर्व निदेशक हैं, उन्होंने दावा किया कि एकेडमी ने प्राचीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्ष पहले संकलित पांडुलिपियों को एकत्र किया है। एक पांडुलिपि एरोनॉटिक्स से संबंधित थी, जिसमें नागरिक उड्डयन और युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों के निर्माण का विवरण था। इसमें हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाले कार्गो प्लेन का उल्लेख मिलता है, जो विशेष रूप से ज्वलनशील पदार्थ और गोला बारूद ले जाने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा दो और तीन मंजिला यात्री विमान, जो 400 से 500 व्यक्तियों को ले जाने में सक्षम थे, उनके डिजाइन और चित्र इस पांडुलिपि में मिले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अनुवादित वैमानिक शास्त्र में हवाई जहाज, पायलट, हवाई मार्गों और विमानों की परिभाषाओं को विस्तार से वर्णित किया गया है। 1991 में डेविड हैचर चिल्ड्रेस की पुस्तक विमान एयरक्राफ्ट ऑफ एंशियंट इंडिया एंड अटलांटिस ने विमानों के निर्माण के रहस्यों को कवर किया, जिसमें कहा गया कि ये विमान न तो टूटेंगे, न ही आग पकड़ेंगे और न ही नष्ट होंगे।
इस किताब के अनुसार ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे, जैसे गायब होना, रडार और दुश्मन के विमानों के अंदर की तस्वीरें प्राप्त करना। इन विमानों में लोगों को बेहोश करने और दुश्मन के विमानों को नष्ट करने के रहस्य भी शामिल थे। विमानों की प्रोपल्शन मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन द्वारा होती थी, जो शायद इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के समान एक अवधारणा है। 11वीं सदी की वास्तुकला पर आधारित एक ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में लिखा है कि विमानों में जेट इंजन होते थे, जिससे पंखे और उच्च दबाव उत्पन्न होता था। वैमानिक शास्त्र में धातुओं, बिजली, पायलटों की उड़ने वाली पोशाक और उनके खाने पीने के बारे में भी जानकारी दी गई है। उड़ान के नियम आधुनिक विमानों के उड़ान मैनुअल से मिलते जुलते हैं। विमानों को विमान गृह में रखा जाता था, जो एक तरह का एयरबेस होता था। कभी कभी इसे पीले चांदी के तरल द्वारा चलाया गया माना जाता है, जो अधिकतर गैसोलीन जैसा लगता है। शायद विमानों में विभिन्न प्रोपल्शन स्रोतों का उपयोग होता था, जिसमें कंबस्चन इंजिन्स और पल्स जेट इंजिन्स शामिल हो सकते थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के समय उनके इतिहासकारों ने आग उगलते हुए उड़ने वाले ढालों का वर्णन किया। क्या ये न्यूक्लियर हथियार थे? हाल के वर्षों में विमानों का उल्लेख किताबों, फिल्मों, इंटरनेट और वीडियो गेम्स में किया गया है। विमाना ड्राइव नामक अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणाली का उपयोग नॉक्टिस खेल में होता है। निर्माता एटनिका ने 1997 में विमान फिल्म जारी की, जिसमें यूएफओज और विदेशी जीवन रूपों का उल्लेख है। माइकल स्कॉट ने द सीक्रेट्स ऑफ द इमॉर्टल निकोलस फ्लमेल नामक फैंटेसी सीरीज लिखी, जिसमें उड़ने वाले विमानों का वर्णन है। दूसरी ओर नासा भविष्य के उपयोग के लिए एक आयन इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो उच्च वेग के इलेक्ट्रिफाइड कणों की धारा का उपयोग करता है। दिलचस्प बात यह है कि भविष्य के लिए विकसित किए जा रहे विमान इंजन भी मर्क्यूरी बॉम्बिंग यूनिट्स और सौर सेल्स का उपयोग करते हैं। आज हमें यह देखकर हैरानी और गर्व होता है कि प्राचीन भारत में तकनीकी ज्ञान कितना उन्नत था। हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित विमान अद्वितीय वैज्ञानिक आविष्कार और अभूतपूर्व तकनीकी कौशल इस बात का प्रमाण है कि भारत कभी एक महान एयरोस्पेस शक्ति था। इसीलिए हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में छिपे अद्भुत ज्ञान के अनमोल भंडार से सीखना चाहिए और उनसे अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए।